सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि परिभाषा। क्या है भिन्न की परिभाषा? सेवेंथ क्लास में तो लिखाई है मैंने, चैप्टर नंबर सेकंड, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। भिन्न की परिभाषा है किसी भी संपूर्ण भाग का कोई जो भाग होता है, कोई भी संपूर्ण चीज है उसका कोई भी पार्ट है या पार्ट ऑफ ग्रुप। फ्रैक्शन की डेफिनेशन है द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल या पार्ट ऑफ ग्रुप द होल। किसी भी संपूर्ण का कोई भाग या भागों का जो ग्रुप है वो फ्रैक्शन भिन्न कहलाता है। फ्रैक्शन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन वर्ड फ्रैक्टस से हुई है जिसका अर्थ होता है ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ। और कोई भी चीज टूटेगी तो उसके क्या होंगे? टुकड़े तो होंगे, भाग होंगे, वही कहलाता है फ्रैक्शन। डेफिनेशन में अपन बोलते हैं फ्रैक्शन बराबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश, डिनोमिनेटर को बोलते हैं भाग। किसी भी भिन्न को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं, जैसे अपन ने लिखा है 5 अपॉन 9 तो उसको बोलेंगे अपन 5 डिवाइड बाई 9। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। वैसे बहुत प्रकार है भिन्नों के, लेकिन अपन सामान्य जो टॉपिक अपने चलते हैं उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिस फ्रैक्शन मैक्सिमम ये पढ़ते हैं। हालांकि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सारे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न की। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू लेस देन होती है डिनोमिनेटर से, यानी कि ऐसी भिन्नें जिनका अंश छोटा होता है और हर का मान बड़ा होता है वे प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न कहलाती है। इसके बाद में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर देन होती है किससे? डिनोमिनेटर से, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हों, जैसे कि अपॉन 6/5, 7/2 या 6/6, 13/13, यानी कि न्यूमरेटर या तो बड़ा होना चाहिए या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगी यानी कि अनुचित भिन्न। इसके बाद में मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, किसी भी और नंबर यानी कि पूर्ण संख्या प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन वो कहलाती है मिक्स फ्रैक्शन।